नेक्स्ट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स, इसका मतलब क्या होता है? जो 3D शेप, 3D फिगर होता है, उसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो जो फ्लैट शेप मिलती है हमको, जितने फोल्ड्स होते हैं, जैसे आपका कोई शू बॉक्स है, आप शू बॉक्स को ओपन करते हैं पूरे तरीके से, अनफोल्ड उसको, फोल्ड फोल्ड की जगह उसको अनफोल्ड कर दीजिए, है ना, और तो उसको हमको एक फ्लैट शेप मिलती है अलग अलग तरीके की। सपोज आप देखते हैं ये क्यूब, अब क्यूब में क्या होता है कि ये अलग अलग स्क्वायर फ्लैट शेप से मिलकर क्यूब बनता है ना, तो ये क्यूब जो है 3D शेप है, लेकिन अगर इसको हम ओपन कर दें इस बॉक्स को, तो क्या होगा, हमको 3D फिगर से उसका कटआउट्स मिलते हैं इस क्यूब के, जिसको हम बोलते हैं एक प्लेन कार्डबोर्ड के पीसेस मिल गए, तो क्यूब आपका इस तरीके से ओपन हो जाता है। ओके, अगर हम इसको यहां से फोल्ड करते हैं, 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 तो आपको एक बॉक्स मिल गया, ओपन बॉक्स, और जैसे ही इसको करते हैं, इसकी लिड मान के ये पूरा क्लोज हो जाता है, लेकिन जब ओपन करते हैं इस बॉक्स को तो हमें ये शेप मिलती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड नेट पैटर्न ऑफ अ क्यूब। तो नेट क्या है, एक फ्लैट शेप है दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड शेप, अगर इसको हम फोल्ड कर देते हैं तो एक सॉलिड शेप बन जाती है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड का एग्जांपल देखेंगे शू बॉक्स। ओके, तो शू बॉक्स जो है या क्यूबॉइड है, उसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमें ये नेट मिलती है। ओके, अगर हम देखते हैं इसकी रेक्टेगुलर सरफेस, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, और एक ये हो गई कवर, और एक कवर ये हो गया, इस तरीके से हमको इसका नेट पैटर्न मिलता है। अगर आप नेट ऑफ कोन, कोन का अगर आप जोकर की कैप देखेंगे, आप आइसक्रीम कोन देखते हैं, तो अगर आप इसका पूरा ओपन करते हैं, तो एक तो हमको ये ट्रायंगुलर शेप में हमको एक फ्लैट सरफेस मिलता है, और साथ में हमको मिलता है एक सर्कुलर शेप में, ये नेट ऑफ कोन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में दो सर्कुलर, दो सर्कल शेप में फेस रहता है, और एक फेस जो होता है वो वैसे तो हमें कर्व दिख रहा है, बट इट इज नॉट कर्व्ड, अगर इसको ओपन करते हैं ये पूरा रेक्टेंगल शेप में आ जाता है। ओके, जब इसको हम फोल्ड करते हैं कर्व्ड हो जाता है ये, और उसके ऊपर आपके दोनों सिलेंडर्स आ जाते हैं, सही है, सर्कल्स आ जाते हैं, एंड दिस में अ सिलेंडर। नाउ नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड उसका बेस स्क्वायर का होगा, तो एक शेप हमको स्क्वायर में मिलेगी, और पिरामिड के फोर फेस होते हैं ऊपर की तरफ, है ना, उसके बेस के ऊपर, तो ये आपको फोर ट्रायंगुलर फेस मिल जाते हैं। नेट ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म, प्रिज्म पेंटागोनल, अब पेंटागोनल प्रिज्म क्या होगा, मतलब इसमें पेंटागोन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो आमने सामने की जो फेस है दो, वो पेंटागोन शेप में, पेंटागोन मतलब फाइव साइड्स, तो ये फाइव साइड्स हमको मिल गई, यहाँ फाइव साइड्स मिल गई। ओके, इस तरह से पेंटागोन शेप मिल गया, और फिर हमको इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो आपको इस तरीके से शेप मिलता है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हियर नेट्स फॉर सम सॉलिड फिगर्स आर गिवन, आइडेंटिफाई ईच नेट एज ऑफ विच सॉलिड फिगर डज इट बिलोंग, नेम ऑफ सॉलिड फिगर्स आर गिवन इन बॉक्स। यहां पर नेट दिया हुआ है, अब ये किस सॉलिड फिगर का है, अब ये नेट आपको पिरामिड का मिल रहा है, लेकिन पिरामिड का बेस क्या है, ट्राइंगल है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर पिरामिड। ये किसका है, अभी हमने पढ़ा, यस, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा सिलेंडर का ऐसा होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप का है ये नेट पैटर्न। नाउ दिस नेट पैटर्न, इस नेट पैटर्न में अगर आप ये देखें, बेस देखें तो क्या आएगा, बेस आपका स्क्वायर का आ रहा है, लेकिन ये जो है स्क्वायर के हर एजेस से मिलती हुई आपको ट्राइंगुलर शेप मिल रही है, तो ये जब सब कंबाइंड होता है तो दिस मेक्स अ स्क्वायर पिरामिड। सिमिलरली यहां पर आपको प्रिज्म का शेप मिल रहा है। ओके, प्रिज्म का जो आमने सामने का जो हमें दो फेस मिल रहे हैं वो ट्राइंगल मिल रहा है, तो इसको हम ट्राइंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। इसी तरीके से बाकी आप धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज करेंगे, ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यूब, ट्राइंगुलर प्रिज्म, कोन, ट्राइंगुलर पिरामिड, आपको इसको फाइंड आउट करके आपकी चॉइस से यहां नाम लिखना है जो करेक्ट नहीं है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फोल्ड अप टू गिव अ क्यूब, इन दोनों में से, या आपके पास सिक्स फिगर्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो अपने घर पर ही
पेपर को कट करके पेपर के ऊपर निशान बना के उसके बाद आप उसको फोल्ड कर देखिए कि क्या क्यूब बन रहा है कि नहीं। अगर इस शेप से बनता है, इस नेट पैटर्न से, तो यस लिखेंगे, और नहीं बनता है तो नो लिखेंगे। ये आपको एक्टिविटी खुद घर में करके देखनी है। नाउ यू हैव लूडो डायस, आपके पास लूडो की डायस होगी। लूडो की डायस में क्या होता है कि उसके 6 फेस होते हैं, और आपने लूडो की डायस में देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं। ओके, तो डाइस होती है क्यूब की। अब आप देखेंगे उसके 6 फेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको ये देखना है कि आमने सामने कौन से आते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जो दो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उसका टोटल हमेशा 7 होता है। इसका मतलब अगर यहां 1 है तो इसके सामने कौन सा आएगा, 6, क्योंकि 1 के ऊपर आप 6 जोड़ देते हैं तो वो 7 हो जाता है। ओके, अगर 4 है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 2 के सामने 5 आ जाता है। इस पैटर्न को हमेशा ध्यान रखेंगे, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप फिगर 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट करें। ये नेट पैटर्न दिए हुए हैं एक क्यूब के। ओके, नाउ दिस इज एन इनकम्प्लीट नेट। आप आप चाहे तो आपके पास अगर लूडो का गेम है तो उसकी डायस को देखकर भी यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। ओके, और सबसे अच्छा है कि आप खुद ही इसको ड्रॉ करके और कट करके फिर आप बनाकर देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज एन इनकम्प्लीट नेट ऑफ अ क्यूब, कंप्लीट इट इन 2 डिफरेंट वेज। ये इनकम्प्लीट है क्यूब की, क्यों, क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, या 3 फेस दी हुई है। अब आप उसको कंप्लीट करना है अपने हिसाब से कि वो क्यूब बन जाए। ओके, इसमें आप चाहे तो 1, 2, 3 नंबर लिख देंगे, उसके बाद 4, 5, 6 कहां आएगा इसको आप देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पिरामिड। पिरामिड किससे बनेगा, अगर आपने ये स्क्वायर शेप ले लिया तो स्क्वायर पिरामिड है। अब इसके आपको 1 एक फोल्ड यहां आएगा तो यहां से आ जाएगा, एक इससे आ गया और एक इससे आ गया, इन सबको जोड़ देंगे तो ये स्क्वायर पिरामिड बनता है। यस, ये इसको आप चेक करेंगे इससे बनता है कि नहीं और इससे बनता है कि नहीं, आप खुद ही डिजाइन इमेजिन कीजिए या इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। मैंने कुछ एक्सरसाइज निकाली हुई है फॉर योर हेल्प। अगर हम बात करते हैं 4.2 एक्सरसाइज की, तो ऑलरेडी आपको मैंने ऑप्शंस दे के जो बताया था, और इस तरीके से आप ये जो डाइस वाला था ये कर सकते हैं, और उसके बाद वाला जो क्यूब्स कैसे फॉर्म होंगे दो फिगर्स के, उसको कंप्लीट करना है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और पिरामिड बनेगा कि नहीं ये आपको देखना है। यह तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम देखते हैं, ये पिरामिड है, ये एक फोल्ड आया, ये एक फोल्ड आया, ये एक फोल्ड आया। अब इसका जो फोल्ड है, ये जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड यहां नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर नो आएगा। ठीक है, इसका आंसर यस जो लिखा है वो गलत है, इसका आंसर नो है, ये भी नो है, और आप करके देखें तो सिर्फ इसी का यस आएगा। ओके,